एआईएमएमआईएम के सदस्यों द्वारा पार्टी के आलाकमान असुद्दीन ओवैसी के जन्मदिन के मौके पर मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में रक्तदान कर ओवैसी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद समीमुल्ला हक प्रदेश सचिव व शेख सिराज संयुक्त सचिव युवा बिहार एवं फजले हक फकरे आलम एहतेसामुल हक मुन्ना नसीम अख्तर मेराज सहित दर्जनों लोगों ने अपना रक्तदान किया। मोतिहारी से लाइव 24 न्यूज़ संवाददाता सुमन कुमार की रिपोर्ट। सबसे अच्छा रिजल्ट है तो इसलिए हम लोगों ने सदर अस्पताल को ही चूज किया है। देखिए भाषा जो होती है विडम्बना ये है कि लोगों ने अंग्रेजी भाषा को अपना समझ लिया और हिंदी और उर्दू को गैर समझ लिया। इस पार्टी का नाम भले ही उर्दू भाषा में है लेकिन उसको लोगों को समझना होगा कि ऑल इंडिया यानी संपूर्ण भारत मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी वैसे लोगों में जिनके अंदर ईमान हो वैसे लोगों की जमात की पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि देश के हर नागरिक के अंदर देश के प्रति और संविधान के प्रति उनका ईमान जिंदा है इसलिए ये पूरे भारत की पार्टी है। देखिए देश की राजनीति में कोई नहीं चाहता है जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बोलते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिमों का स्थान उनके सामने हो और उनके साथ हो। मुस्लिमों और दलितों की राजनीति को वो लोग देश के सबसे निचले पायदान पर रखते हैं। दिक्कत ये है कि अगर सहनी जात के लोग आगे आते हैं तो वो लोग जो है मैं किसानी के लोग हैं, अगर मांझी के लोग आगे हैं तो वो लोग जो है मैं कि मांझी के लोग हैं, यादव के लोग अगर पार्टी बनाते हैं तो उनसे लोगों को दिक्कत नहीं होती लेकिन मुसलमान और दलित अगर अपनी हक की बात रखता है तो ये अन्य पार्टियों में स्वाभाविक रूप से बेचैनी होती है। और ऐसे बहुत दूर बजिया है और मेरा घर मोतिहारी में भी है। और सर आप इस पार्टी में कब से कार्यरत हैं? इस पार्टी में मैं 2019 से जुड़ा हूँ और उस समय से लगातार हम लोग जो है गरीब मजलूमों की जो है खिदमत कर रहे हैं और आगे भी खिदमत करते रहे। सर ये रक्तदान शिविर जो है पहली बार आयोजन किया गया है या इसके पहले भी हो चुका है? देखिए ये रक्तदान शिविर आज पहली बार आयोजन किया गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के योम विलादत जन्मदिन दिवस के मौके से। तो सर अभी तक कितने लोगों का रक्तदान यहाँ पे अभी तक हो चुका है? देखिए अभी 5 से 7 लोगों का भी हो चुका है, बाकी और लोग भी कराएंगे। करीब 20-25 लोग अभी हैं और बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद है कि हम लोग जो है 50 लगभग लोगों का जो है आज ब्लड डोनेट करवा दें।